नमस्कार दोस्तों, करंट नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम 18 फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम कहाँ बनाया जाएगा? ए अमरावती में, बी गुजरात में या सी राजस्थान में? इसका सही आंसर है ए अमरावती में। अमरावती में पहला कूलिंग सिस्टम बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके? संयुक्त अरब अमीरात आधारित अंतर्राष्ट्रीय शीतलन प्रदाता नेशनल सेंट्रल कूलिंग कंपनी PJSC ने आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ अमरावती में भारत का पहला जिला शीतलन प्रणाली बनाने के लिए 30 वर्ष के समझौते में प्रवेश किया है। UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। इसकी मुद्रा क्या है? UAE डरहम। UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। मुद्रा UAE डरहम है। क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में क्रिप्टो क्यूरेंसी के साथ पहला अमेरिकी बैंक कौन बना? ए JP Morgan बैंक या बी बैंक ऑफ अमेरिका या सी सिटी ग्रुप? इसका सही आंसर है JP Morgan बैंक। JP Morgan बैंक पहला अमेरिकी बैंक बना क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने वाला। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में फुटबॉल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? ए गुरप्रीत सिंह को, ये बी सुनील छेत्री या सी JJ लाल पुखेला? इसका सही आंसर है सुनील छेत्री इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में 2018 के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से किसे नवाजा गया? ए डी गोएड और वान डोरेन विन को या वी आर रघुनाथ और इग्नेश तिरके को, भारत छेत्री और पी आर श्रीजेश को? इसका सही आंसर है डी गोएड और वान डोरेन विन को। डी गोएड और बार्न डोरेन विनको प्लेयर ऑफ द हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया है। दिए गए अन्य पुरस्कार उसमें कौन से हैं? मेन गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन था? विंसेंट वनास्ट थे गोलकीपर के। मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर आर्थर डे स्लोवर थे। मेल कोच स्टार ऑफ द ईयर सेन मैकॉलॉर्ड थे। फीमेल कोच स्टार ऑफ द ईयर एलिसन अन्नान थे। फीमेल गोलकीपर ऑफ द ईयर मैडी हैंच थे। FIH पुरस्कार 1998 में स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार किसने जीता है? अब्दुल अजीज़ मोहम्मद ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, संयुक्त राष्ट्र ने कार्यक्रम योजना बजट और वित्त के लिए नियंत्रक और SSG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सी रामनाथन को इसके लिए नियुक्त किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? चंद्रमौली रामनाथन को प्रबंधन रणनीति नीति और अनुपालन विभाग में कार्यक्रम योजना बजट और वित्त के लिए नियंत्रक सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने उरुग्वे के बेटिना टूसी बार्टिसोटास का स्थान लिया है। टूसी बार्टिसोटास का स्थान लिया है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन नंबर सात, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाले माल पर सीमा शुल्क को कितने % तक बढ़ाया है? ए 150%, बी 200% या सी 300%? इसका सही आंसर है बी 200% तक बढ़ाया है। सीमा शुल्क को 200% तक बढ़ाया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। PM इसके कौन है? इमरान खान है। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, हाल ही में किस टीम ने ईरानी कप का खिताब जीता है? विदर्भ टीम ने जीता है। ईरानी कप का खिताब विदर्भ टीम ने जीता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? विदर्भ रेस्ट ऑफ द इंडिया को हराकर भारतीय घरेलू क्रिकेट इतिहास में नागपुर के जामथा स्टेडियम में अपने ईरानी कप खिताब की रक्षा करने वाली बॉम्बे और कर्नाटक के बाद केवल तीसरी टीम बन गई है। विदर्भ कौन सी? तीसरी टीम बन गई है।
विदर्भ ने 280 रनों के लक्ष्य का पीछा किया और युवा करडीवर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वेस्टइंडीज़ के किस खिलाड़ी ने विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय वनडे से संन्यास की घोषणा की है? ए क्रिस गेल ने, या बी किरण पोलार्ड ने, या सी डेरन ब्रावो ने? इसका सही आंसर है किरण पोलार्ड। इसका सही आंसर है किरण पोलार्ड, तो सॉरी क्षमा करें, क्रिस गेल। इसका सही आंसर है क्रिस गेल ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गेल ने 288 एकदिवसीय मैचों में 9,727 रन बनाए हैं, जो वेस्टइंडीज़ के दिग्गज ब्रायन लारा के बाद दूसरे सर्वाधिक रन है। गेल ने 23 एकदिवसीय शतकों का विंडीज़ का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 4 वर्ष पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला विश्व कप दोहरा शतक भी शामिल है। पहले विश्व कप में दोहरा शतक किसने लगाया? क्रिस गेल ने लगाया था वेस्टइंडीज की तरफ से। विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से 14 जुलाई 2019 तक आयोजित किया जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से 14 जुलाई 2019 तक आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? हिना जायसवाल बनी। पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? हिना जायसवाल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? चंडीगढ़ से फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई हैं। आईएफ चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक किसने लिखी है? दिनेश शहरा ने लिखी है। इस पुस्तक का कुंभ मेले में आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कुंभ मेले में परमार्थ आश्रम में दिनेश शहरा द्वारा लिखित एक पुस्तक सिंप्लिसिटी एंड विजडम लॉन्च की गई। कुंभ मेले में लॉन्च की गई ये पुस्तक सिंप्लिसिटी एंड विजडम को। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में इन्फोसिस ने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए कौन सी लर्निंग ऐप लॉन्च की है? इन्फी टी क्यू ऐप लॉन्च की है। इन्फोसिस के सीईओ कौन है? सलिल पारेख हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में सबसे बिक्री वाली ब्रिटिश लेखिका का निधन हुआ है। कौन से ब्रिटिश लेखिका का निधन हुआ है? एंड्रिया लेवी का निधन हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अपनी 20 से अधिक वर्षों की श्रृंखला में जमैका के ब्रिटिश लोगों के अनुभव का पता लगाने वाली सबसे बिक्री वाली ब्रिटिश लेखक एंड्रिया लेवी का 62 वर्ष की आयु में कैंसर से निधन हो गया है। वह द लॉन्ग सॉन्ग और स्मॉल आइलैंड जैसी पुस्तकों के लिए जानी जाती थी। उन्हें ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन, वाइट ब्रेड बुक ऑफ द ईयर, कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज और कई अन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कौन से स्विस अभिनेता का निधन हुआ है? ब्रूनो गेंज का। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है? हाल ही में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? साइना नेहवाल ने जीता है। महिला एकल का खिताब इस साल का किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नमस्कार।